गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। माँ सरस्वती कंप्यूटर सेंटर में आप सभी को स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे विंडो क्या है। यस, विंडोज क्या है, कंप्यूटर में विंडो का क्या काम है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम लोग कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को हम लोग आसानी से रन कर सकते हैं। ऑफिस पैकेज जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सारे जो प्रोग्राम है इसको रन विंडोज ही करवाता है। मींस विंडोज जितने भी एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको प्रोवाइड करते हैं विंडोज। इसलिए विंडोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना कंप्यूटर तो एक डब्बा जैसा है, इसके बिना और कुछ नहीं है। इसलिए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को सीखना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना भी बहुत जरूरी है। इसके बिना, इसके इंस्टॉल के बिना प्रोग्राम कोई भी काम नहीं करेगा। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल और डॉस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य देखिए, उसमें मेरा फंडामेंटल और डॉस के बारे में विस्तृत आलोचना किया गया है। हम लोगों ने इससे पहले इमेज डॉस सीखे थे जिसमें हम लोग कभी भी बहुत सारे कमांड के थ्रू हम लोग प्रोग्राम को रन करवाते थे। जैसे डायरेक्टरी बनाने के लिए एक कमांड होता था, फाइल बनाने के लिए एक अलग कमांड होता था, कॉपी करने के लिए अलग कमांड, मूव करने के लिए अलग कमांड, तो हर चीज के लिए कमांड को याद रखना पड़ता था। एक फॉर्मूला की तरह होता था जिसको याद रखना काफी डिफिकल्ट होता था। लेकिन विंडो के में क्या है कि हम लोगों को उतना सारा चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोगों को माउस के द्वारा हम उस प्रोग्राम को आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। इसलिए विंडोज बहुत इंपॉर्टेंट सी है और आज के समय में विंडो का काफी महत्व बढ़ गया है। बोल सकते हैं कि आज अगर विंडो नहीं होता तो कंप्यूटर चलाना इतना आसान नहीं होता। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि विंडो कैसे वर्क करता है और विंडो में विंडो क्या है। जैसे कि हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं, आप लोग देख रहे हैं, तो कंप्यूटर ऑन होने के बाद जो स्क्रीन हम लोग के सामने सबसे पहले आता है वो है विंडो स्क्रीन। यह हम लोग का विंडो है और विंडो में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, एक स्क्रीन को देख पा रहे हैं जो बैकग्राउंड है और यहाँ पर कुछ छोटे 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 आइकन बने हुए हैं, शॉर्टकट भी बोलते हैं इसको हम लोग, और ये जो लाइनिंग बने हुए हैं एक लंबा करके जो लाइनिंग बने हुए हैं इसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार। आइए इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तृत रूप से देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर वो स्क्रीन दिख रहा है, मैंने आप लोगों के लिए खास करके बनाए हैं। देखिए इसमें जो है इस लाइन को हम लोग देख रहे हैं, इस लाइन को हम लोग एरो लगा दिए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप। और यहाँ पर जो लाइनिंग है आप देख रहे हैं इसका नाम है टास्क बार। ये जो छोटे लाइन है, जैसे कि हम आपको फिर एक बार मिनिमाइज करके बता देते हैं, देखिए ये जो लाइनिंग है इसको हम लोग बोलते हैं, इस बार को हम लोग बोलते हैं टास्क बार। इस और ये जो छोटे 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 आइकन है जो शॉर्टकट बने हुए हैं इसको हम बोलते हैं आइकन, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है, डेस्कटॉप में हम लोग बैकग्राउंड होते हैं ये, और ये टास्क बार है। टास्क बार में हम लोग जो भी प्रोग्राम को रन करवाते हैं वो प्रोग्राम जो है वो बाय डिफॉल्ट टास्क बार में रहता है। हम लोग टास्क बार से पता कर लेते हैं कि मेरा कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ है और कौन सा प्रोग्राम मेरा बंद है, और टास्क बार से हम लोग ये भी जान पाते हैं कि मेरा इंटरनेट ऑन है या नहीं है। हम लोग टाइम भी शो कर सकते हैं, देखिए यहाँ टाइम दिखा रहा है, डेट भी दिखा रहा है, करेंट डेट, तो इसके थ्रू हम लोग ये सब काम कर सकते हैं। और जो मेन काम है वो कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से अपना सॉफ्टवेयर को फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम लोग को वर्ड खोलना है खोल सकते हैं, एक्सेल खोलना है खोल सकते हैं, हम लोग को कैलकुलेटर खोलना है खोल सकते हैं, तो ये सारे चीज़ पॉसिबल है टास्क बार के थ्रू, क्योंकि टास्क बार टास्किंग का काम करता है। जिस प्रकार हम लोग होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए तो वेटर हम लोगों के सामने क्या करते हैं, एक मेनू लिस्ट लाते हैं और उस मेनू लिस्ट से हम लोग चूज करते हैं कि हम लोगों को कौन सा खाना पसंद है। तो उसी प्रकार कंप्यूटर में हम लोग को क्या वर्क करेंगे उसका जानकारी हम लोग को मिलता है टास्क बार से। टास्क बार ही हम लोग को एक मेनू लिस्ट शो करता है और जिसके थ्रू हम लोग उस
प्रोग्राम को खोल सकते हैं। जैसे कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना है तो देखिए कमांड प्रॉम्प्ट है ना। नोटपैड को खोलना है तो नोटपैड है। यहाँ हम लोग सिंपल सा क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग नोटपैड में पहुँच गए हैं। उसी प्रकार हम लोग अगर चाहते हैं डॉस ओपन करने, जैसे पिछले बार हम लोग डॉस सीखे थे तो डॉस को ओपन करना है तो हम लोग देखिए डॉस आराम से हम लोग खोल सकते हैं। तो उस प्रकार से हम लोग देखिए आसानी से सब विंडो को बंद करना है तो हम लोग आसानी से इसको बंद कर सकते हैं। इसलिए विंडो को GUI कहा जाता है। GUI मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस, मीन्स आपका इसमें माउस कीबोर्ड दोनों का ही उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग देखिए यहाँ पर बहुत सारे आइकन है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि दिस पीसी है, दिस पीसी के अंदर क्या है, हम जानकारी करने के लिए इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ये इंटरफेस ओपन हो जाता है और इसमें हम लोगों को ढेर सारे डायरेक्टरी मिलेंगे, फाइल मिलेंगे। तो देखिए डेस्कटॉप है, इसके अंदर क्या है देखने के लिए इसमें डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये खुल गया। तो बैक जाने के लिए आप बैक करेंगे, सिंपल से इसको बंद करना है तो हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो उस प्रकार से ये विंडोज वर्क करते हैं, बहुत ही आसान है। जो हम लोग पिछले एपिसोड में डॉस सीखे थे तो उसमें क्या हुआ था कि थोड़ा डिफिकल्टी होता था क्योंकि हमें सब कमांड याद रखना पड़ता था। जैसे कॉपी करेंगे तो कॉपी करने का अलग कमांड होता था, मूव करेंगे तो मूव करने के लिए अलग कमांड होता था। तो इस सारे झंझट से, जो याद करने वाला जो सिस्टम था, उस सारे झंझट से हम लोग बहुत ही आसानी से हम लोग विंडो के थ्रू आसानी से हम लोग फाइल डायरेक्टरी बना सकते हैं। ये संभव हुआ है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल के बिना ये कंप्यूटर जो आप देख रहे हैं ये एक डब्बा जैसा है, ये कोई वर्क नहीं करेगा। इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। यही हम लोगों को जितना भी एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसको रन करने में मदद करता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विंडो क्या है। तो अगर मेरे वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। इससे क्या होगा कि मेरा जो मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। और आप मैं यहाँ पर जो वीडियो बना रहा हूँ वो स्टेप बाय स्टेप है, बिगिनर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आप लोगों को अच्छा से समझ में भी आएगा कि क्या होते हैं, कैसे हम लोग बेसिक कंप्यूटर को सीख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी तरह के कोई वीडियो लेकर जरूर प्रस्तुत होंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।